गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। श्रद्धालुओं ने आस्था की खिचड़ी चढ़ाने के बाद गोरखपुर न्यूज से अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से व्यक्त किया। वहीं व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी, SSP गोरखपुर डॉक्टर सुनील गुप्ता और IG जय नारायण सिंह ने कहा। उसका जो है आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये विशेषता जो है हमारे भारतवर्ष की है और राष्ट्रीय धर्म भी है कि हम एक हैं। जब प्रेम से आप जयकार लगाएं, बोलिए शिवाय तारी गुरु गोरक्षा जी महाराज की। प्रेम आप आएगी, आप कहीं इधर भटकेंगे नहीं, या तो बैठे रही गिनेंगे क्योंकि आपकी सुविधा के लिए किया गया है। नागरिक सुरक्षा कोर के कर्मचारी जगह पर रहेंगे, आपके परिजन मेला ताने पर जा कर रहे हैं। चौरसिया द्वारा भजनों के माध्यम से जहाँ कहीं सनातन धर्म की प्रशासन की ओर से जगह जगह क्या ताने पर जा कर रहे हैं। आज यहाँ पूरी जम्मू के बैरिकेडिंग में महिलाएं सहयोग करें, महिलाओं की पट्टी को थोड़ा जल्दी बढ़ा। आपके बीच में घूम घूम भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। खंड धोना के पास कुछ महिलाएं इधर उधर खड़ी यहाँ से हर भाग से निगरानी की जाती है, देखा जा रहा अपना सामान हिमायूपुर से आए खिचड़ी चढ़ाने आए गोरखनाथ बाबा को, खिचड़ी यहाँ चढ़ाया जाता है। निवासी ये काफी पुराने समय से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का परंपरा बना हुआ है, उसी परंपरा के तहत हम भी आ जाके गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाए हैं। कंचन सिंह पादरी बाजार से आए हैं और गोरखनाथ को खिचड़ी हर साल चढ़ाते हैं, हमारी आस्था है, अच्छा है मंदिर, अच्छा है, अच्छा लगा दर्शन करने, मांगता जो उनका करा पूरा होने चाहिए। हम पूछता नहीं है आपके भाषा, मुझे नेपाली आता है ढेर। मुख्य मंदिर में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में दर्शनार्थी, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सब लोग जो है बारी बारी से पंक्तियों में खड़ा है। महिलाओं को अलग से, पुरुषों को अलग से छोड़ने की व्यवस्था की गई है। सभी लोग धीरे धीरे अपना दर्शन कर रहे हैं, नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं या भगवान गोरखनाथ जी को अपना पवित्र खिचड़ी चढ़ाते जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं सभी गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये आह्वान करता हूं कि पुलिस की मदद करें, पुलिस की सहायता से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोरखनाथ पीठ के दर्शन करें। के पर्व पर समस्त पुलिस परिवार की तरफ से जनपद वासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि आज यह पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने में पुलिस विभाग को सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।